दुर्गा पूजा 2023 बांका जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। जिला पदाधिकारी बांका के निर्देश पर सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में तथा प्रतिनियुक्त स्थल पर लगातार भ्रमणशील हैं तथा प्रतिनियुक्त स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के साथ साथ श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई समस्या न हो इसका ख्याल रख रहे हैं। जानकारी हो कि जिला पदाधिकारी बांका एवं पुलिस अधीक्षक बांका द्वारा दुर्गा पूजा को देखते हुए पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति तेलडीहा शंभुगंज सहित सभी महत्वपूर्ण पूजा स्थलों पर की गई है। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सहित सभी पुलिस बल पूजा संपन्न होने तक अपने अपने स्थल पर बने रहेंगे तथा पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। भदरिया के राजापुर में धूमधाम से हो रही माता वैष्णो देवी की पूजा अर्चना। अमरपुर प्रखंड के भदरिया पंचायत के राजापुर गांव में 2019 ईस्वी में स्थापित माता वैष्णो देवी की पूजा अर्चना धूमधाम से लगातार की जा रही है। गांव वालों का उत्साह चरम पर है। मंदिर के पुजारी गौतम झा और अश्विनी झा ने बताया कि मंदिर की स्थापना के समय माँ तेलडीहा शक्तिपीठ हरिवंशपुर से लाई गई मिट्टी से माता की पिंड की स्थापना की गई थी, जहां की पूजा समिति की ओर से प्रतिमा स्थापित कर मेला का भी आयोजन कराया जा रहा है। इस मौके पर बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री सह अमरपुर विधायक जयंत राज पहुंचकर माँ की पूजा अर्चना की और पूजा समिति को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। बांका में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया जख्मी। बांका जिला के अमरपुर अंतर्गत केंदुवार बाजार के समीप हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े एक अधेड़ को गोली मारकर फरार हो गया। गंभीर रूप से जख्मी फुली डुमर थाना क्षेत्र के नगर डी गांव निवासी मृत्युंजय यादव का रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। घटना के बाद केंदुवार बाजार में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जख्मी की मां फुलन देवी ने बताया कि एक वर्ष पूर्व उनके पुत्र सौरभ कुमार ने गांव के ही दयानंद पंजियारा की पुत्री से प्रेम विवाह किया है। चूंकि दयानंद पंजियारा दबंग एवं अपराधी किस्म का है, इसलिए एक वर्ष से भय के कारण पूरा परिवार बांका में मानीचक में रह रहा है। सोमवार को वह बोलेरो भाड़ा पर लेकर अपने परिवार से लगभग आधा दर्जन सदस्य के साथ केंदुवार दुर्गा मंदिर पाठा बलि देने के लिए गया था, जहां से पूजा कर वापस घर लौट रहे थे। इसी क्रम में केंदुवार बाजार में पूर्व से घात लगाए बैठे दयानंद पंजियारा का पुत्र ब्रजेश पंजियारा व गौरव पंजियारा एवं दो अपराधी के साथ हथियार के बल पर बोलेरो रोक लिया गया और बोलेरो पर लाठी डंडे से प्रहार करने लगा और इसी बीच गौरव पंजियारा ने उनके पति को गोली मार दी और अभी अपराधी नगरडीह गांव की ओर भाग गया। घटना की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां से जख्मी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर राय बहादुर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि घटना को लेकर जख्मी के स्वजन के बयान पर केस दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। आरोपित के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। कारण किसने गोली मारा? कारण हम बेटा भागले हमरा गोली लगी छोटका बेटा मार के बेटा कौन सी लड़की लेके भाग लो? हाँ। कब? कब? एक साल हो गया। एक साल ओकरा शादी कर लल? हाँ। अच्छा अपना भागले मार लके हमरा बेटा। तो अभी रही रिसलो तोरानी कहां पर? घर आई रहली बेटी तो कहां पर? मोनिच को। मोनिच का बका? हां। अच्छा अखनी जे छे वहा कारणों में गोली मार लके? मार लके। कहां तू घटना घटले? जनवरी। अंगारू जबड़ा पंचायत के गंगटा रजक टोला में धूमधाम से हो रही माता दुर्गा की पूजा अर्चना। बौंसी प्रखंड के अंगारू जबड़ा पंचायत में गंगटा गांव में 2019 ईस्वी से पदस्थापित माँ दुर्गा की पूजा अर्चना धूमधाम से लगातार की जा रही है। गांव वालों का उत्साह चरम पर है। मंदिर के मेड़पति श्रवण रजक और गांव के बुद्धिजीवी वर्ग ने बताया कि भक्तिनी निर्मला देवी को दुर्गा जी सवार होती थी, जिससे सभी गांव वाले को लगा कि यहां पर भी मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना करना चाहिए और 2019 में पूरे गांव वालों के सहयोग से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू की गई, जो आज तक की जा रही है। आगे बताया गया कि पहले हम लोगों को दुर्गा पूजा में बौंसी या कुसमहा जाना होता था। अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा को डलिया चढ़ाने के लिए बहुत दूर जाना होता था, जिससे महिला श्रद्धालुओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। अब महिला श्रद्धालु गांव में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। वहीं पूजा समिति के द्वारा माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर मेला का भी आयोजन कराया जा रहा है, जिससे गाँव में काफी खुशी का माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण रजक, ग्राम गंगटा,
आप पोस्ट झरना पिलवा थाना बोसी जी, आप ये दुर्गा माँ की प्रतिमा कब से? पिछले पाँच वर्षों से, पिछले पाँच वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या हैं? मैं यहाँ का मेड़पति। मेड़पति हैं आप? अच्छा, यहाँ पे पूजा करना है, प्रतिमा स्थापित करना, ये आपके मन में कैसे आया? मन में है कि पहले से जो है माता यहाँ पे आते थे, तो हम लोग सभी फिर ग्रामीण मिल के उनको जो है स्थापित किया, क्योंकि पूरा